हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपके सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक चीज़ रखी है। इसके ऊपर मैंने अभी कपड़ा रखा है। पहले मैं आपको इसको बता दूँ, थोड़ा सा ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके लिए, इसके ऊपर मैंने काफ़ी देर से काम कर रहा था, तो अब जाके ये थोड़ा कम्प्लीट हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आज तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके नीचे है क्या। ये देखिए, तो गाइस ये है हमारी महिंद्रा थार जो मैंने खुद घर में बनाई है। आरसी कार है, रिमोट कंट्रोल है, रिमोट से चलती है। तो इसकी मतलब इसकी इस टेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा, पहले हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से बनी है। ये पूरी प्लास्टिक बिल्ड है, जो प्लास्टिक पाइप आती है पीवीसी, देख सकते हैं हम इसका। यहाँ से बोनट भी उठता है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी प्लास्टिक पाइप से बनी हुई है। यहाँ पर मैंने थार लिखा हुआ, तो देख सकते हैं। पहले इसको दिखाता हूँ मैं पूरे अच्छे तरीके से आप। ये देखिए, पूरे इसके मोड वगैरह भी कटते हैं यहाँ से, इसका पूरे टायर वगैरह भी ऐसे मुड़ते हैं इसके। ये देखिए, यहाँ पर नीचे इसके वो वाली मोटर लगी हुई, बीओ मोटर के नाम से बिकती है। तो ये आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपको ऑफलाइन मिल जाए तो ऑफलाइन अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में ये थोड़ी सस्ती मिल जाती है। मेरे को ये 100 रुपीज़ की पड़ी डबल शाफ्ट वाली। तो सिंगल शाफ्ट वाली इसके जो इसका लेफ्ट राइट वाला है, ये देखिए, इसके लिए सिंगल शाफ्ट वाली मेरे को मिली 90 रुपीज़ की बाहर से। ऑफलाइन, ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलती है, 150-200 रुपये तक मिलती है। तो इसलिए आप बाहर से ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए पीछे इसके एक वो लगा हुआ स्टेपनी, इसकी इसका व्हील मैंने उतार लिया ऊपर से, लुक अच्छी लगती है इसलिए। देखिए इस तरीके से बनी हुई पूरी। तो एक आइडिया लेके आप खुद भी बना सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से इसका जो पूरा कंट्रोल अंदर, ये देखिए, ये मैंने पुरानी जो रिमोट कंट्रोल कार होती हैं उसके अंदर से निकाला हुआ ये। तो पूरा इसमें फिटिंग की हुई है, काफ़ी आसान होती है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से बन जाती है। ये इस तरीके से पूरी बनी हुई। तो इस तरीके की बैटरी मैंने इसमें यूज़ किया, इसको चलाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली मैंने डबल में लगाई है, इसको पैरेलल में लगा के ये वाले सेल जो होते हैं 18650, जो पहले भी आपने मेरी वीडियोस में देखे होंगे, ये वाले मैंने दो लगाए हैं पैरेलल में, ताकि इसकी बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिल पाए हमें। ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने कनेक्टर लगाया हुआ है, और जो मेल फीमेल वाला कनेक्टर है, जो उसमें हमारी गाड़ियों वगैरह मिल जाता है, हमें स्कूटर बाइक्स वगैरह में मिल जाता है, तो वो वाला कनेक्टर। ये देखिए वहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, तब हमें जब उतारना है अपने चार्जिंग के लिए, वो आप कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए मैं इसका ये यूज़ करता हूँ, ये हमें मिल जाता है 3.7 वोल्ट की जो बैटरीज होती हैं ये वाली, इसको चार्ज करने के लिए ही ये वाला मॉड्यूल होता है, प्रोटेक्शन बोर्ड होता है। तो ये भी ऑनलाइन मिल जाता है, मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर लगा के चार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से चार्ज हो जाता है, जब चार्ज हो जाएगा फिर मैं इसमें लगा के इसको चला लेता हूँ। तो ये देखते हैं इसको, इसमें लाइट्स वगैरह भी मैंने लगाई, मैं आपको पहले बताता हूँ। तो क्या सबसे पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखाता हूँ। ये देखिए इसका रिमोट है, ये जो भी आप पुरानी गाड़ी होगी आपके पास आरसी, उसका रिमोट ही इसके साथ काम करेगी, क्योंकि उसका बोर्ड जो होगा वो इसके साथ पेयर होता है, तो वही इसके साथ काम करेगी। देखिए मेरे पास एक पुरानी पड़ी थी, इसको बनाया है इस गाड़ी को, तो इसके अंदर जो बोर्ड लगा है वो उसी गाड़ी का लगा है, तो वही उसका रिमोट है। तो इसको साइड पर रखते हैं। ये देखिए इसको मैं लाइट्स आपको दिखाता हूँ। लाइट्स के लिए मैंने यहाँ पर एक बटन लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पर एक बटन है, इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए लाइट्स हैं इसमें सामने की तरफ ऐसे, और आप पीछे की तरफ देख सकें इस तरीके से लाइट्स हैं इसकी। मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से बनाई, ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, अंदर एक बल्ब लगा है उसके ऊपर, बस एक ये मैंने पीवीसी पाइप का एक पीस लगा दिया हुआ है, बस कुछ नहीं। अच्छी लुक काफ़ी अच्छी आती है इसकी, जैसे ओरिजिनल गाड़ी महिंद्रा कार का आता है वैसे ही थोड़ा बहुत इसका लुक आ रहा है। जैसे आप देख सकोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है इसमें, कि मैंने इसमें सीट्स वगैरह नहीं लगाई हैं, और कई सारी चीज़ें इसमें नहीं लगी हुई हैं, क्योंकि वेट को भी हमें मैनेज करना था, क्योंकि इसमें जो ये वाली मोटर लगी है इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है कि इतना ज़्यादा वेट उठा पाए, इसलिए मैंने इसके वेट को लिमिट रखा हुआ है। बाकी जो मेन चीज़ें मैंने इसमें सारी लगाई, ये इसका एंटीना है यहाँ पर, जैसे असली गाड़ी का एंटीना इस साइड आता है वैसे ही मैंने इसका भी लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी लुक आई है, काफ़ी अच्छी लुक आई है इसकी, कोशिश की है पूरी उसी तरीके की डिटो बनाने की। ये देखिए गाड़ियों में होती है,
ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लगाई ताकि थोड़ी लुक अच्छी आ जाए इसकी। ये देखिए इस तरीके से। तो इसके जो टायर्स वगैरह मैंने वो ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे, आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक पेंट किया इसको स्टार वाले। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे करके बंद भी हुई थी, काफ़ी अच्छा इसका लुक आया। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं घर में, काफ़ी आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती बनाना। बस थोड़ी सी जो इसकी कटिंग वगैरह होती है प्लास्टिक की वो अच्छे से होनी चाहिए और फिटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, बाकी इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान होती है बनाना। तो जो इसका स्टेयरिंग वगैरह है वो मैंने भी यूट्यूब से देख के इसका बनाया था स्टेयरिंग, आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाया मैंने ऐसे करके। या आपको यूट्यूब पर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी, या आपको स्टेयरिंग बनाना आ जाएगा वहाँ से, तो वैसे आप भी बना सकते हैं, मैंने भी वहीं से सीखा। ये देखिए, तो थैंक यू गाइज़, आपने मेरी वीडियो देखी।